मुझे साजिश है, मेरे भाई को मारा गया है, मेरे भाई को, मेरे भाई की हत्या की गई है, मेरे भाई की हत्या की गई है, बस मैं इतना करूँगा। लखनऊ के दुबग्गा में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर के अंदर भाजपा कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान विनय श्रीवास्तव के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। युवक के सिर में गोली मारी गई है। क्रिस्टल सांसद के बेटे विकास किशोर की बताई जा रही है। परिजनों ने 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। इनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि घटना के वक्त उनका बेटा यहाँ मौजूद ही नहीं था, वह दिल्ली में था। मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बेगरिया का है। शुक्रवार की सुबह तड़के 4 बजे केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर में भाजपा कार्यकर्ता विनय श्रीवास्तव की गोली लगने से मौत हो गई। विनय श्रीवास्तव के परिजनों ने लिखित तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि विनय की मौत केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के पुत्र विकास किशोर की पिस्टल से हुई है। ठाकुरगंज दुबग्गा पुलिस मौके पर पहुंची है। विनय श्रीवास्तव केंद्रीय मंत्री के बेटे का करीबी था। बताया जा रहा है कि जिस समय गोली चली उस समय घर में कई और लोग भी मौजूद थे। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, उसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में कुछ 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आंसू की पिस्टल से गोली मारी गई है। वो जांच का ही है विषय, परिजन टीम भी इसमें गोली लेकर के गई है। जो रिपोर्ट है उसमें परिजनों ने लिख करके जो दिया है उसकी जांच होगी। जो भी इसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम परिजनों के साथ तरीके से हमारा बहुत रहा है। विकास किशोर जी का घर था, माननीय मंत्री जी के लड़के का घर था। वो विकास किशोर जी वहीं पर रहते थे, वहीं पे मेरा भाई उनके साथ रहता था, उनके साथ दिन भर रहता था। क्षेत्र में जाना या कहीं भी जाना उनके साथ रहना होता था उसका, और घर भी देर रात में आता था। तो ये जो पिस्टल बरामद हुई है जिससे गोली मारी गई है जी, वो विकास किशोर जी की है। जिस वक्त ये गोली मारी गई क्या विकास किशोर वहाँ मौजूद नहीं? विकास किशोर वहाँ नहीं थे, वहाँ मौजूद नहीं थे। तो क्या लगता है, किस पर शक है आपको? जी अब देखिए, जैसे रिवाल्वर है या इसमें है तो अब ये तो पिस्टल है तो वो तो जो भी पिस्टल रखता है तो वो होता है वहाँ पर। अब ये क्या मैं बता सकता हूँ कि कोई वहाँ पर है कि नहीं है, वहाँ पर था कि नहीं था, अब मैं इसके लिए कुछ नहीं बता सकता। विकास किशोर की बताई जा रही है, सारी चीज़ छानबीन की जाएगी, सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीज़ हम लोग तहकीकात करेंगे, इतना करेंगे कि मैटर में क्या हुआ है, किस तरह से गोली चली। मृतक के परिजन क्या कोई तहरीर दिए हैं लिखित में? हाँ, तहरीर दिए हैं। साजिश से मेरे भाई को मारा गया है, मेरे भाई की हत्या की गई है, बस मैं इतना करूँगा। क्या विकास साजिश में शामिल हो सकता है? कहिए तो कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि उनको पूरा पिस्टल भी उनको ले जाना चाहिए था, उनका पिस्टल भी घर पे था और उनको भी ये जैसे उसमें था कि जब दिल्ली जाते कहीं भी जाते थे तो उसको लेके जाते थे। कल वो क्यों नहीं उसको लेके गए और क्यों अपना पिस्टल भी नहीं लेके गए, सब कुछ ये सोची सजी साजिश है। और मैं सब कुछ यही करता हूँ, मेरे भाई को क्यों मारा तो बस नहीं कहना चाहूंगा कि मेरे भाई क्यों मारा। गोली किस कंडीशन में कहां लगी, क्या कोई शक नहीं है, कोई आत्महत्या जी गोली जी भाई। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।